दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एमके सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज फिर हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पर बात करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी कॉमन समस्याएं है। माने हमको लगता है जो 100% में 25% 30% महिलाएं जेंट्स जो भी हैं लेडीज जेंट्स ग्रसित हैं। तो दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हेयर फॉल के बारे में जो अक्सर ज़्यादा महिलाओं में पाया जाता है। हेयर फॉल की बहुत सारा समस्याएं है। अब हेयर फॉल क्यों होता है, कैसे होता है, किस कारण से होता है, थोड़ा सा इस पर हम चर्चा करें। फिर इसके बाद फिर मेडिसिन पर चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद और सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हेयर फॉल महिलाओं में कई कारणों से होता है। पहला, ऐसे किन्हीं को टाइफाइड हुआ होगा, मलेरिया हुआ होगा और आफ्टर डिलीवरी, ये सब केसेस में महिलाओं को क्या होता है हेयर फॉल की, जैसे बहुत सारा एलोपैथ दवा जिनको टाइफाइड हो गया हो या मलेरिया हो गया होगा, क्विनाइन का बहुत सेवन किया हुआ होगा, इसके वजह से उसका साइड इफ़ेक्ट मेडिसिन का इतना ज़्यादा होता है, उसके कारण हेयर फॉल की समस्याएं हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, महिलाएं में अक्सर थायराइड की समस्या पाया जाता है, तो थायराइड के वजह से भी हेयर फॉल का समस्या होता है, हेयर फॉल होने की चांसेस होती है, तो उस कंडीशन में भी हेयर फॉल होना चालू हो जाता है। और बहुत सारे मिनरल्स विटामिन्स या कोई ऐसे बीमारी है जिसका इंडिकेट आपको कर रहा है, इसके वजह से भी हेयर फॉल होता है, बाल झड़ने लगता है। तो दोस्तों यही मुख्यतः समस्याएं होती है, इसके वजह से हेयर फॉल का समस्या होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ कुछ मुख्य टॉपिक पर। जैसे देखिए हमारे हाथों में ये मेडिसिन है SBL का, स्काल्प टोन करके हेयर केयर करके आता है, काफ़ी अच्छा यह दवा काम करता है। अब इसका दोस्तों इसमें क्या क्या कम्बिनेशन है, चलिए हम लोग उस पर थोड़ा चर्चा कर ले। तो इसमें एसीडम हाइड्रोफ्लोरिकम 3X डाला हुआ है, एसिड फोलिकम एसिड फॉस्फोरिकम 3X इसमें डाला हुआ है, नेट्रम मोरेटकम वो भी 3X पावर में डाला हुआ है, मिक्स है, कैलकेरिया फॉस्फोरिका वो भी कैलकेरिया फॉस्फोर वो भी 3X में डाला हुआ है, बडाइगा 3X में डाला हुआ है। तो ये सब मिल करके दोस्तों ये पेटेंट दवा, इसको हम लोग बोलते हैं पेटेंट दवा, इसका तैयार किया हुआ है, सारे दवा का मिश्रण करके इसको बनाया गया है। अब ये क्या है ना, इस हेयर फॉल पर इसका काफ़ी अच्छा पकड़ है हेयर केयर करके, स्काल्प टोन हेयर केयर इसका नाम है, SBL का है। मुख्यतः इसका प्राइस हम बता देते हैं आप लोगों को, ये थोड़ा पहले का है तो इसका प्राइस 140 मानो ही समथिंग 200 के नीचे नीचे ही इसका दाम होगा। तो काफ़ी अच्छा इसका हेयर फॉल पर पकड़ है दोस्तों। और इसको ना 2 टैबलेट 3 टाइम आप ले सकते हैं, 4 टाइम भी ले सकते हैं, वो एज पर नीड्स आपका बाल कितना झड़ रहा है, किस और भी बहुत सारे मेडिसिन बाल झड़ने के लिए आते हैं। नेक्स्ट जो दोस्तों इसमें लगाने की एक हम दवा बताते हैं, आज जिन लोगों का हेयर फॉलिकल्स कमज़ोर हो गया होगा, जिनको बाल उगने में ये हो गया होगा, बाल झड़ रहा होगा, डैंड्रफ होगा, तो सारे ही समस्या में एक लगाने का हम दवा बता रहे हैं। इसके लिए दोस्तों 2 रेमेडीज याद कर लीजिए और कृपया इसको अंत तक इस वीडियो को आप लोग देखेंगे तभी जा कर के समझ पाएंगे। तो इसमें दोस्तों एक अर्निका क्यू डॉक्टर एक्वे का लेंगे तो 20 ml में आएगा, प्लस अर्निका क्यू, नेक्स्ट जो है जब रंडी क्यू आपके ऊपर है, आप कोई भी ले सकते हैं, SBL का ले सकते हैं, डॉक्टर एक्वे का ले सकते हैं, स्वाबे का ले सकते हैं, मिनिम और बहुत सारे कंपनियां हैं। उसका क्या करना है, जैसे 20-20 ml या 30-30 ml जो आप ले रहे हैं दोनों को 100 ml का डब्बा ले लेंगे, दोनों को बराबर बराबर मात्रा में मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा कोकोनट ऑयल उसको ले करके और माथे में हेयर फॉल जिनको हो रहा है और लगाना है थोड़ा सा मसल करके, इससे क्या होगा टीशू भी यहाँ के जागृत हो जाएगा, तो हेयर
फॉल आपका धीरे 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 कंट्रोल हो जाएगा। साथ में मेडिसिन लेंगे, दो दो गोली तीन बार या चार बार। स्कल्पटोन हेयर कैप हेयर केयर करके आता है दोस्तों, तो ये लेने से लेने का है, दो दो टैबलेट दो बार तीन बार चार बार आप खाएं। और साथ में आप जो हैं वो जो हम बताएं अर्निका और अर्निका क्यू, ये ध्यान रखिएगा, मदर टिंचर और जबरंडी क्यू मदर टिंचर दोनों को मिक्स करके आपको लगाना है। सुबह शाम लगाएं या एक बार लगाएं, वो आप पर डिपेंड करता है और आपका कितना हेयर फॉल हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों और भी इसका बहुत सारे मेडिसिन है, लेकिन आप जानते हैं होम्यो सिम्टम्स आधारित चलता है। विशेष मात्रा में किसी नियरेस्ट डॉक्टर से संपर्क करके ही, उनके गाइडलाइन में ही, जिस शहर में आप रह रहे हैं वहीं से मेडिसिन लें, उनके गाइडलाइन में लें तो बेटर रिजल्ट होगा। ये मुख्यतः हम आपको समझने के लिए बता रहे हैं, और यदि नॉर्मली है तो आपको काम करेगा दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों आज का जो वीडियो है हम यही समाप्त कर रहे हैं। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें एवं बेल आइकन प्रेस को अवश्य दबाएं। इससे क्या होगा, प्रेस करें जो भी नया वीडियो जाएंगे वो आपको मिलता रहेगा दोस्तों। और एक और गुजारिश है आप लोगों से दोस्तों, जी अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली अपने निगेटिव्स रिलेटिव्स और सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जो सारे लोग इससे लाभ ले सके लाभान्वित हो सके। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।